रॉकस्टार में इट्स योर बॉय अजय रॉकस्टार और एक और गेम प्ले वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये गेम प्ले बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है क्योंकि मेरे को एंड में ऐसा बंदा मिलता है जो कि टक्कर की फैट देता है। और यहाँ पर सबसे पहले मैं सिटी प्लाजा उतरा, एक बंदे को ठोका, इसके बाद मैंने थोड़ा लूटा क्योंकि मेरे पास लूट ही नहीं थी, है ना। तो सबसे पहले तो मेरे को ये देखना था कि मेरे को अच्छी खासी शील्ड मिल जाए क्योंकि मेरे को अभी तक अच्छी खासी शील्ड नहीं मिली थी। बस इसके बाद मुझे लेवल 2 की शील्ड मिल गई थी। मैं देख रहा था कि विंडो में से मुझे अगर कोई विंदा मिलता है तो मैं यहाँ से मार दूँ। इसके बाद मैं ऊपर आया और ऊपर आने के बाद मुझे सरप्राइजिंगली अटैक हुआ। अब मेरे को नहीं पता ये कहाँ से मुझे पड़ रही थी, लेकिन मैं ऊपर की तरफ ये छज्जे पे आया और एक बंदा मुझे स्पॉट हुआ, उसे गिराया और वहाँ पर उसके बगल में उसका टीममेट भी था जो कि उसे कवर दे रहा था। फाइनली वो कूदा और यहाँ पर मैंने स्किल चलाकर उसे अच्छा खासा डैमेज दिया। वो बंदा ऊपर जाने लगा, इसके बाद मैंने गेट से उसे आराम से नॉक कर दिया। नॉक करने के बाद मैंने उसे फिनिश किया, इस घर की छत पे आया और मैं क्या देखता हूँ कि रोड पे मुझे एक और बंदा स्पॉट हुआ। अब इस बंदे को मैंने अच्छा खासा डैमेज दिया लेकिन दूसरी बार कोई भी शॉट उसे कनेक्ट ही नहीं हुआ। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा कोने में रहकर देख रहा था कि कौन बंदा कहाँ पे है क्योंकि मुझे सही बताऊँ तो मेरे को पता ही नहीं चल रहा था कि कौन सा बंदा किधर है ना। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर देख रहा था, इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि नीचे वाली पेटी है उस पे से थोड़ा सामान लूटते हैं क्योंकि मेरे पास लूट भी नहीं थी। तो यहाँ पर मैंने लूटा, वापस मैं स्पॉट करने की कोशिश करने लगा कि सामने वाली जो बड़ी बिल्डिंग में उसमें कोई बंदा वंदा तो नहीं है। इसके बाद मुझे पीछे से हलचल आई और एक गाड़ी यहाँ से भाग रही थी, मैंने पीछे की तरफ देखा और एक बंदा यहाँ पर खड़ा था, उसे नॉक किया, सीढ़ियों के ऊपर आया और उसे आराम से मैंने ठोक दिया। तो गाइस इसी के साथ ही आज का हमारा लाइव गेम है 200 का। होप कि आप 200 का लाइव गेम जरूर से पूरा कराएंगे। अब इसके बाद कोई बंदा स्नाइपर चला रहा था, है ना। तो वो सामने वाली बड़ी बिल्डिंग है ना, वहीं से था कोई। अब मेरे को नहीं पता था वो कहाँ पे है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले गाड़ी मंगाई और एक स्पाइडर व्हीकल मैंने यहाँ पर देखी थी जो कि यहाँ से भाग चुका था वो बंदा। तो मैंने भी यहाँ से गाड़ी घुमा दी क्योंकि अब यहाँ पर रुकने का फ़ायदा नहीं है। तो जैसे मैंने गाड़ी मंगाई, सामने की तरफ मुझे बंदे स्पॉट हुए जो कि लड़ रहे थे आपस में। तो गाइस एक बंदे को यहाँ पर मैंने नॉक किया और दूसरा जो क्राफ्ट वाला बंदा था वो अलग ही मुझ पे फायर लेने लग गया। अब देखो इसे कैसे मारते हैं। इसे भी मैंने नीचे गिराया, फिर मैंने देखा लेफ्ट के साइड में एक और क्राफ्ट है। इसे भी मैंने अच्छा खासा डैमेज दिया लेकिन वो भी बंदा भाई सही मेहनत कर रहा था, वो भी बंदा मुझे मारने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन फाइनली उस भाई को भी मैंने आराम से नॉक कर दिया। नॉक करने के बाद मैंने उसे फिनिश किया। इसके बाद मैंने सोचा कि यार एक बार अपन जो ये सिटी प्लाजा है इसमें एक बार चक्कर लगाते हैं क्योंकि सिटी प्लाजा ऐसी जगह है ना जहां पर कभी भी किसी भी टाइम तुम्हें बंदे स्पॉट हो सकते हैं। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, मैं जैसे ही गाड़ी घुमाई यहाँ पर खंबे पे मुझे एक बंदा स्पॉट हुआ। जिसे मैंने आराम से नॉक किया और सामने बड़ी बिल्डिंग में एक बंदा इस पे फायर करने लग रहा था। अब जैसे मैंने इसे मारा मेरे को लेफ्ट साइड में एक और बंदा स्पॉट हुआ, तो मैंने वहीं पर गाड़ी घुमा दी, है ना। अब यार ये बंदा तो मुझे दिखाई दिखा लेकिन ऊपर एक क्रैबी भी थी और क्रैबी वाले बंदे ने ऐसा डैमेज दिया है कि जो मेरी गाड़ी थी वो लाल हो गई और भी बंदा मुझ पर फायर कर रहा था। देखो उसने वो मोली वाली स्किल चलाई थी। तो मैं फटाफट से अंदर आया, अंदर आने के बाद थोड़ा हीलिंग की क्योंकि भाई साहब मैं नहीं चाहता कोई बंदा मुझे फटैक से मार दे, है ना।
तो इसके यहाँ पर मैंने इस शील्ड को रिचार्ज किया और जो क्रेबी वाला बंदा था वो भाग गया था दूसरी तरफ, है ना। तो मैंने सबसे पहले गाड़ी उठाई क्योंकि मेरे पास कार कोलर ही नहीं थे, है ना। तो ये गाड़ी उठाई, इसके बाद मैंने क्रेबी वाले बंदे को जहाँ पर लास्ट टाइम देखा था वहीं पे मैंने गाड़ी घुमेड़ दी। और ये रहा वो क्रेबी वाला बंदा। अब देखो तुम देख रहे हो कि क्या ही डैमेज लगा है, मतलब एक ही बार चलाई थी उसने अपनी बीम और एक ही बार में भाई मेरे दो शील्ड बार गए और इसके साथ मेरे को 20 HP का छोड़ा होगा। ओ भाई साहब, मतलब क्रेबी अभी भी ओपी है गाइज। अगर आप क्रेबी वे भी चलाते हो तो सही में आपको बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है, आप इजीली 1v2 1v3 4 कर सकते हो। अब जैसे ही मैं वापस से शील्ड रिचार्ज करके बाहर आया, एक बंदा यहाँ पर गाड़ी लेके आया, तो मैंने भी डिसाइड किया कि मैं इस बंदे का पीछा करूँगा और यहाँ पर से ये गाड़ी उठाई और मैंने इसका पीछा करना स्टार्ट कर दिया। अब देखो इसे कैसे मारते। और हवा में इस बंदे को मैंने आराम से नॉक कर दिया। नॉक करने के बाद इसे फिनिश किया, लेकिन इसका जो टीममेट था वो जस्ट मेरे पीछे था, वो आया ऊंट गाड़ी लेके, वो रहा सामने। वो तो शुक्र मानो मैंने ये डोम बना लिया जिससे कि मेरे को थोड़ा बहुत यहाँ पर कवर मिला, नहीं तो एक दो गोली भी वो मुझे रख सकता था, है ना। इसके बाद भाई वो बंदा मुझे फायर करने लगा तगड़ाई। और मैं भी चाहता था यार उससे फायर लूँ, लेकिन यहाँ पर पता नहीं एकदम से ग्लिच हुआ, मैं उड़ के इधर आ गया और वो बंदा भी यहाँ पर आ गया। देखो फायर कर रहा है मुझ पर अभी भी, लाल कर दी मेरी गाड़ी। इसके बाद मैंने थोड़ा सा उसे कवर फायर किया। अब मेरे को लगा कि थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई और बंदा इंतज़ार कर रहा था मेरा, वो रहा सामने। अब गाइस इस बंदे को मैंने आराम से ठोक दिया। भाई ये बंदा पता नहीं क्या कर रहा था यार इस कोने में, लेकिन वो बंदा सोलो था, ये किसी और टीम का बंदा था, लेकिन उस भाई को मैंने आराम से ठोक दिया। अब बारी थी ऊंट गाड़ी वाले बंदे की, लेकिन ये बंदा भी मुझ पर खतरनाक ही फायर करा पड़ा था। ये इसने तो ठान ही लिया था कि इस बंदे को छोड़ने का नहीं, मतलब मुझे छोड़ने का नहीं, वो अभी भी मुझ पर फायर करे जा रहा है। गाइस वो अभी भी मुझ पे फायर करे जा रहा है, मतलब ये बंदे ने ठान ही लिया था कि ये मुझे मारेगा ही मारेगा। इसके बाद मैंने सोचा कि यार चलो इसकी स्किल यूज़ की जाए तोप वाले की, तो मैंने ये तोप बनाई गाड़ी को। और मैंने डिसाइड किया कि मैं इससे फायर लेता हूँ, है ना। और कोई बंदा ड्रॉप भी लूट रहा था, मैंने ड्रॉप ब्लैक को इग्नोर किया और इस बंदे से मैंने फाइट लेना चाहा। इसके बाद इस बंदे ने मेरी ये जो गाड़ी है लाल कर दी, है ना। और फिर मैंने डिसाइड किया भैया चलो, क्योंकि ये बंदे मुझे मार सकते हैं, हो सकता है ये बंदा इसकी पूरी स्क्वाड लेके आया हो। अब यहाँ से मैं पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा था तभी एक बंदा यहाँ पर गाड़ी लेकर कूद गया सीधा, शायद ये मुझे ही ढूंढने के लिए यहाँ पर आया था। अब मैं यहाँ से इस भाई को डैमेज देने की कोशिश कर रहा था, फाइनली वो भाई आराम से यहाँ पर मर गया डायरेक्ट, क्योंकि गाड़ी लाल हो चुकी थी तो फटके भी मरते हैं तो डायरेक्ट ही मरते हैं, नॉक नहीं होता है। इसके बाद मैंने ये थोड़ा सा कवर लेने के लिए ये डोम बनाया। इसके बाद मैं ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद मैं थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ देखता हूँ और एक बंदा मुझे स्पॉट हुआ।
जिसे मैं हलचल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि मुझे वो स्पोर्ट कर ले। इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि थोड़ा सा तो मुझे आगे जाना पड़ेगा। इसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा आगे जाने लगा जोन के अंदर, क्योंकि जोन भी आ रहा था। अब जैसे मैं यहाँ पर आया, मैंने राइट साइड देखा, एक बंदा दूसरे बंदे को मार रहा था, तो उस बंदे को मैंने आराम से नॉक किया। इसके बाद मैंने फिनिश भी कर दिया। तभी मैंने देखा कि इसका टीममेट भी वहां पर है। उसे भी मैंने मार दिया, लेकिन कोई और बंदा मुझ पे स्नाइपर चला रहा था। अलग ही लेवल का था भाई ये बंदा। मैंने ये डोम बनाया अपनी सेफ्टी के लिए, है ना, कि वो बंदा मुझे वन शॉट में ना मार दे, है ना। इसके बाद मैं ये पत्थर पे आया। मैंने डिसाइड किया कि जो अपना जो शील्ड बार है उसको भी भरा जाए, तो यहाँ पर मैंने उसे भी भरा, है ना। और मैंने डिसाइड किया कि थोड़ा करके थोड़ा पुश करता हूँ मैं। मैंने पुश किया, वो बंदा मुझे दिखा नहीं, और कोई और भी बंदा उससे शायद फाइट ले रहा था। तो यही मौका था कि वो सामने पड़ी गाड़ी मेरे को उठानी थी। तो यहाँ पर मैंने डिसाइड किया कि वो सामने पड़ी गाड़ी मैं जल्दी से जल्दी उठाऊँगा, क्योंकि गाड़ी हमेशा सेफ्टी देती है ये गेम में, है ना। तो फटाफट से मैंने ये गाड़ी उठाई, और एक बंदा लेफ्ट साइड मुझे स्पॉट हुआ पत्थर के पीछे। अब देखो इसे कैसे मारते हैं, इजी पीजी, मजा आ गया। एक हल्की सी टक्कर और वो बंदा आराम से खत्म। अब मैं देख रहा था कि वो दूसरा बंदा जो कि मेरे को मार रहा था स्नाइपर से, वो बंदा कहाँ है। तो यहाँ पर मैं लेफ्ट साइड घुमा रहा था गाड़ी को, और तभी वो बंदा मेरे को रोड पे दिखाई दिया। पहली टक्कर मारी, और दूसरी टक्कर में वो भैया स्वर्ग सिधार गया। अब इसके बाद तुम देखने वाले हो बहुत ही ज़्यादा प्रो आदमी को। अब मैं उसे सर्च कर रहा था, वो मुझे दिख रहा नहीं था। फाइनली उसने गोली चलाई और वो बंदा मुझे स्पॉट हुआ, पत्थर के ऊपर बैठा हुआ था वो बंदा। अब गाइज मैं चेक कर रहा था कि वो बंदा कैसा है, है ना। और सही बताऊं, वो बंदा सही खेल रहा था, वो मेरे 80% शॉट कनेक्ट कर पा रहा था। इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि ये पत्थर का मैं कवर लेता हूँ, और अब मैं उसे फाइट लेने की कोशिश करता हूँ। लेकिन वो बंदा अब मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मतलब फुल कवर में हो गया भाई, पूरा टीपी भी ले रहा था वो बंदा। पत्थर के पीछे था वो, ऊपर ही था वो, लेकिन फुल टीपी का यूज़ कर रहा था वो। अब जैसे ही मैंने गाड़ी में एंटर किया, वो बंदा देखो कैसे निकला है, यानी गाइस फुल टीपीपी का यूज़। इसके बाद मैंने डिसाइड किया भैया दूर से तो कुछ नहीं होना, पुश करिया मैंने। अब देखो बूम गाइस, इसी के साथ ही तुम्हारा भाई विक्ट्री हासिल कर लेता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, 200 का हमारा लाइक है मैं जरूर से पूरा कराना। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना जो कि फायर लाइटर 4 खेलते हैं।